ही रहे हैं, लेकिन हम आपको अयोध्या की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि सरयू के किनारे अगर ये यज्ञ किया जा रहा है तो जरूर इनसे बात की जाए कहाँ से ये लोग आए हैं। तो मैं जरा उनके पास चलती हूँ कि कहाँ से उन्होंने ये यज्ञ किया है और कैसे कर रहे हैं। देखिए, छोटी बच्ची भी इस यज्ञ में शामिल हुई है, कुछ लोग भी यहाँ यज्ञ में शामिल है। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं यज्ञ करने आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग श्री संकटमोचन मंदिर से आए हैं। सरयू नदी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं, कैसे करेंगे? चलो इधर आइए, इधर कलश लेकर आइए, ये वाला भी। हाँ, श्री राम महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन किया गया है। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? रामघाट यही अयोध्या के, अयोध्या से है। अच्छा, और आप जो है आप ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आई हैं बहन जी? सिडनी से आई हैं, इसे आज राम मंदिर के उसके लिए जो ये कथा हो रही है। जी ये देखिए, ये उत्साह होता है कि कैसे यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। अमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं और वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमन, मैंने यहाँ सरयू घाट की तस्वीरें दिखाई, कैसे यहाँ यज्ञ किया जा रहा है, अब आपके पास चलते हैं। राम राम सपना, तस्वीरें देखिए सिर्फ। राम 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 रे राम 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 राम। राम जी, राम जी गा रही है, मोदी जी क्यों लगाए? मोदी जी नाम जतो ही जपी तत मधुर लागे, मोदी जी नाम जतो ही जपी तत मधुर लागे, नामे या तो मधु आचे के जानी तो यागे, नामे या तो मधु आचे के जानी तो यागे, मोदी जी नाम जतई जपी अयोध्या रई सरजुर तटे लक्ष प्रदीप जले घाटे, अयोध्या रई सरजुर तटे लक्ष प्रदीप जले घाटे, एमन मानव दुनियाते एमन मानव दुनियाते आगे जानी ने मोदी जी नाम जतई। देखिए, यही अयोध्या के रंग है। यतेंद्र मेरे साथ है और इस वक्त यतेंद्र में हम दोनों की मौजूदगी हनुमानगढ़ी है। देखिए, सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या में हैं, नंबर एक। नंबर दो, आज मंगलवार का दिन है भाई, आज बजरंगी का दिन है और हनुमान जी का आज दिन है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता यहीं पर देखने को मिल रही है, आप आसपास कलश देख रहे हैं। लेकिन आज की एक बहुत बड़ी खबर जो यतेंद्र ने दी, जो जानकारी यतेंद्र की तरफ से दी गई कि प्रधानमंत्री जो बताया जा रहा है, आखिरी जो तीन दिन होंगे 22 जनवरी से पहले पहले वो कंबल बिछाकर सोएंगे, ये जानकारी दी गई है और चौखट पर। देखिए बिल्कुल अमन, हमारी आज बात जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी महाराज गोविंद देव गिरिजी महाराज, उन्होंने उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर बताया, यानी कि एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को दी कि 11 दिन का जो व्रत, यानी कि प्रधानमंत्री ने स्वयं पूछा कि वो यजमान है प्राण प्रतिष्ठा के समय वो वहां पर रहेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, जो नियम है उन्हें बताइए। तो ट्रस्ट की तरफ से पंडितों से जो आचार्यों से बात करके बताया गया कि एक यजमान के लिए 11 दिन के नियम क्या होते हैं, 11 दिन के क्या होंगे, फिर वो घटकर 7 दिन पर और कठोर होते जाएंगे और जब 3 दिन रह जाएंगे तो वो और ज्यादा कठोर हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, जितना भी कठोर होगा मैं करूंगा, आप मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। फिर उनको बताया गया कि जब 3 दिन रह जाएंगे तो आपको कंबल बिछाकर, यानी कि गद्दा वगैरह या मटेरियल जो इस तरह का होता है वो यूज नहीं करना पड़ेगा, चौकी पर आखिरी 3 दिन कंबल बिछाकर, चौकी पर कंबल बिछाकर उनको सोना पड़ेगा और किसी भी तरह का अन्न वो ग्रहण नहीं कर सकते, केवल फल पर 3 दिन वो रहेंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जो है गोविंद जी, उनसे आपकी बात, उन्होंने वो बातचीत सुना देते हैं जो यतेंद्र ने की है कि आखिरी के 3 दिन 22 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री कंबल बिछाकर सोएंगे और ये उनकी तरफ से खुद कहा गया कि जितना कठिन से कठिन या कठोर से कठोर एक तरीके का तप वो करना चाहते हैं प्रभु राम के लिए, वो बातचीत एक बार सुनाते हैं यतेंद्र वाले, फिर वापिस आइएगा, यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी रहेंगे, सरसंघ चालक मोहन भागवत भी रहेंगे, क्या इन दोनों को अलग से कुछ पूजा पद्धति बताई गई है, कुछ अलग से मंत्र बताए गए हैं कि आपको इस तरह से उपासना करनी है, व्रत करने है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निस्संकोच बतलाना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूँगा लेकिन मुझे बता दिया जाए। तो हमने उनको 11 दिन से क्या करना है ये बताया, 7 दिन से क्या करना है ये बताया, 3 दिन से क्या करना है ये बताया और अंतिम दिन क्या करना है ये बताया। अब इसमें यम नियमों का पालन तो उनका है ही और उसके साथ साथ उनका 11 दिन का
एक समय का उपवास भी सम्मिलित है। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है, और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा। अंतिम तीन दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे, और उन तीन दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार के अनेक नियमों का पालन वे स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं, और फिर उनके द्वारा कुछ दान भी दिए जाने हैं। यहाँ के देवकाली के लिए उनके द्वारा भेजे गए उपहार अर्पण करके और उसका पूजन आरंभ होगा। इस प्रकार उनको भी इस सब बातों की गंभीरता का पता है और वे स्वयं स्वेच्छा से इन अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं। आपने सुना जो यतेंद्र ने बातचीत की है कि प्रधानमंत्री आखिरी के जो तीन दिन होंगे, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समय है, 12:20 पर 84 सेकंड का वो मुहूर्त, 12:20 पर जिसकी शुरुआत होगी, और आज जो है हवन पूजन अयोध्या में शुरू हो चुका है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें कहता हूँ प्रदीप को, एक बार अगर कैमरा मोड़कर दिखा सके, क्योंकि हम लोग हनुमानगढ़ी में है, आज मंगलवार का दिन है, हनुमानगढ़ी में हमारी मौजूदगी है। भीड़ देखिए, संख्या देखिए लोगों की, और लोगों के चेहरों पर उत्साह देखिए, जबरदस्त की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। जय श्री राम का तिलक लगाया हुआ है माथे पे, और जबरदस्त संख्या में देखिए लोग यहाँ पर मौजूद है। सीढ़ियां देखिए आप, ये सीढ़ियों पर लोगों की मौजूदगी देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। और यतेंद्र मेरे साथ है। यतेंद्र, आखिरी के तीन दिन चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे प्रधानमंत्री, फलाहार पर रहेंगे, और इसके अलावा कोई और जानकारी जो कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की उन्होंने दी? पहले समय आप देखिए कितने सर्दी और उम्र उनकी देखिए, उसके बावजूद भी अगर चौकी पर केवल कंबल बिछाकर सोना है, उसमें उनको गद्दे वगैरह का यूज नहीं करना है, तो एक समझ सकते हैं कि किस तरह का कठोर संकल्प उनके द्वारा लिया गया, वो उस व्रत का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा एक दान देने की परंपरा रहती है कि जो यजमान होता है वो दान देता है, तो प्रधानमंत्री कुछ दान भी उस वक्त देंगे और उपहार भी देंगे। जो उपहार वो देंगे वो पहले लाए जाएंगे, क्योंकि उनकी पूजा होगी, उनको उसी तरह से पवित्र किया जाएगा कि कोई उनमें त्रुटि ना रह जाए, तो उन उपहारों को भी रहेगा। इसके अलावा जिन मजदूरों ने राम मंदिर निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, रात दिन एक ही है, जिन मजदूरों को कोई पूछता नहीं है, उनको प्रधानमंत्री मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, और उसी मंच पर सम्मानित करेंगे जहां पर बाबरी मस्जिद के समय मंच बनाया गया था, और 6 दिसंबर 1992 की घटना के उसी जगह पर प्रधानमंत्री उन मजदूरों से मिलेंगे। और उसके अलावा एक जटायु की मूर्ति बनाई गई है, जटायु की मूर्ति प्रतीक है उन बलिदानियों का जो जिन्होंने नेतृत्व किया, जिसमें बाबा देवरा थे, जिसमें अशोक सिंगल थे, जिसमें देवरस जी थे, ऐसे अनेक जो संत जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, उनके प्रतीक के तौर पर जटायु जी का पूजन वो करेंगे, यानी कि श्रद्धांजलि देंगे। ये सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। देखिए, जटायु जी का प्रसंग हर कोई जानता है, जब माता सीता का हरण करके रावण जा रहा था, तो प्रभु राम जब वहां पर युद्ध हुआ था, रावण ने जटायु जी को मारा था, तो प्रभु राम वहां पर पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने प्राण लिया था, कि सौगंध जो है वो खाई थी कि माता सीता का जिसने हरण किया वो बदला जरूर लेंगे। जटायु जी की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, नंबर एक जो यतेंद्र जानकारी दे रहे हैं, नंबर दो आखिरी के तीन दिन यानी कि 22, 21, 20, मैं 20 से कह सकता हूँ, 20, 21, 22 चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। 19, 20, 21 हाँ, 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो 19, 20, 21 चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। सपना मेरी सहयोगी, मैं उनके पास रुक करूंगा, लेकिन बहुत देर से एक बुजुर्ग जो है वो मुझे देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं फर्रुखाबाद से हूँ, और ऐसी उनकी कृपा हुई है, मुझे यहाँ उन्होंने स्थान दिया जी, और ऐसी प्रेरणा दी, इतना बढ़िया भव्य कुटिया मंदिर बनवाया है कि आप देख लेंगे तो कहेंगे आनंदमय जगह, यही आदित्य भवन के सामने। अब मैं यहाँ का वासी हो गया हूँ अभी 1 साल पहले। कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर सबको? भैया ये ऐसा उत्सव हो रहा है कि भविष्य में ना होगा ना, ऐसी खुशी मुझे मिली है। जय जय श्री राम, ऐसी खुशी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, चंद्र की जय, हनुमान की। सिर्फ चार मिनट में पूजा शुरू होने वाली है। सपना के पास चलेंगे, उनके पास अपडेट है। सपना, 4 मिनट में पूजा शुरू होने वाली है।